अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी है हलवा। बहुत ही आसान से तरीके से इसको बनाएंगे और बहुत ही थोड़े टाइम में ये बन जाएगी। इसको बनाने के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं, मेजरमेंट्स हमने कुछ इस तरह लिया है कि ये इजीली हर एक के लिए हो, कि वो इसको इजीली बना सके। अभी हमने ग्लास के हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स ली हैं और मैं उनको आप उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1/3 के हिसाब से हमने क्वांटिटी चीज़ों की इसमें ली है। जिस तरह सूजी थी वो हमने 1/3 कप ले लिया है, चीनी भी 1/3 कप है, घी भी 1/3 कप ले लिया है। जो दूध है ये टेस्ट बेहतर करने के लिए, अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते ना करें, और इसकी जगह आप इसी मेजरमेंट में 4 गिलास पानी ले सकते हैं। लेकिन हमने इस मेजरमेंट में 3 गिलास पानी ले लिया और जो चौथा गिलास था उसकी जगह दूध ले लिया। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, फूड कलर ले लिया है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये कर लेंगे, जो फूड कलर है उसको हम दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि हमें कलर का अंदाज़ा हो जाए कि कम तेज़ जो भी करना चाह रहे हैं। ये इतना कलर काफ़ी था, इसको हमने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। घी हमारा गर्म हो गया है। इसको बनाते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम हमने मीडियम रखना है, इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को हम 4 से 5 मिनट इसमें भून लेंगे, उस वक्त तक जब तक इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी सूजी की, तब तक हम इसको भून लेते हैं। सूजी हमारी तैयार होगी, अब इसमें से खुशबू आना शुरू होगी, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसके साथ जो दूध था हमारा वो भी डाल देंगे। अब इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। और ये मीडियम फ्लेम पे ही हमने रखा हुआ है, अब थोड़ी देर में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना हमने इसको गाढ़ा करना है उतना कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगे, ये देखें अभी हमारा हलवा गाढ़ा होना शुरू हुआ। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी स्टेज में जो थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट लिया था, नारियल था, सोगी थी और बादाम था, ये भी इसमें डाल देंगे। आप ही अपनी रिक्वायरमेंट और पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा ऐड किया इसमें, अब इसको भी थोड़ा सा इसी स्टेज पे इसमें पका लेंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हमने बर्तन में निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बना, परफेक्ट जिस तरह एक बाजारी हलवा होता है उस स्टाइल का बना, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसको हम हल्की सी गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा बादाम इसके ऊपर भी डाल देंगे और ये हमारी परफेक्ट हलवे की रेसिपी तैयार।